उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले ऋषभ की साइकिल क्या चोरी हुई, पूरे थाने में हड़कंप मच गया। दरअसल ऋषभ की साइकिल चोरी होने के बाद वह सीधे थाने जा पहुंचा और मुंशी को पूरी वारदात बताई, लेकिन छोटा बच्चा समझकर थाने के मुंशी ने ऋषभ को थाने से भगा दिया। उसके बाद ऋषभ ने किसी से एसपी का नंबर लिया और साइकिल चोरी की बात बताई, साथ ही मुंशी की शिकायत भी कर दी। बस फिर क्या था, एसपी ने थाना एसओ को फटकार लगाते हुए साइकिल बरामद का फरमान सुना डाला। दरअसल ऋषभ रोज साइकिल से स्कूल आता जाता है और दोपहर में कोचिंग में पढ़ने जाता है। इसके बाद ऋषभ ने किसी से नंबर लिया और सीधे एसपी केबी सिंह को फोन किया। एसपी ने फोन उठाया तो ऋषभ ने अपना पूरा परिचय दिया और बताया कि मेरी साइकिल थाने के सामने से चोरी हो गई है। रिपोर्ट लिखाने गया तो मुंशी ने भगा दिया। एसपी ने ऋषभ को कार्रवाई का आश्वासन दिया और पूरे स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। साथ ही एसओ से कहा कि बच्चे की रिपोर्ट दर्ज की जाए और जल्द से जल्द उसकी साइकिल खोज निकाली जाए। इसके बाद थाने की पुलिस के लिए ऋषभ वीआईपी हो गया, उसे बुलाया गया, तहरीर ली गई। एसओ ने साइकिल बरामदगी के लिए 2 दिन का वक्त भी मांगा है। हालांकि अभी भी ऋषभ की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, लेकिन उसके साइकिल की खोज सरगर्मी से की जा रही है।